बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी और मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि जो प्रोटेस्ट जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ, 13 तारीख को जामिया मिलिया इस्लामिया में कॉल दिया गया कि हम पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे. आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोटेस्ट. हम जे एन यू से बहुत से बच्चे उस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करे. बैरिकेड पे हमको रोका पुलिस ने और उसके बाद हम पर पथराव किए, हम पर टीयर गैस फायर करा, हम पर रबर बुलेट्स फायर करे गए और हम पर लाठी चार्ज करा गया और हमको वापस भगाया गया. मेरे दोस्त का सर फट गया. वहाँ पे एक फीमेल पुलिस नहीं थी. तो ये जो बर्बरता है पुलिस की, दिल्ली पुलिस की और उसके बाद फिर यूपी पुलिस की, इसके खिलाफ फिर से एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ 15 तारीख को. कंटिन्यूस प्रोटेस्ट चल रहा था जामिया मिलिया इस्लामिया में. 15 तारीख को हम लोग यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर थे. उसके बाद हमको बॉम्ब्स के फटने की आवाज़ आती है. हम डर के पीछे जाते हैं लाइब्रेरी की तरफ. उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पुलिस गेट से अंदर आ रही है और जो भी रास्ते में मिल रहा है उसको बहुत बुरी तरीके से लाठी चार्ज कर रही है. उसके बाद हम लाइब्रेरी के अंदर छुप जाते हैं. हम लाइब्रेरी का दरवाज़ा अंदर से बंद करते हैं, टेबल्स और चेयर्स वहाँ पे लगाते हैं ताकि पुलिस अंदर ना घुस सके. हम टेबल्स के नीचे छुपे बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर फिर पीछे से पुलिस आती है, कांच तोड़ती है और अंदर टीयर गैस फायर करती है लाइब्रेरी की बिल्डिंग के अंदर. उसके बाद पुलिस, हम लोग आधा एक घंटा लाइब्रेरी के अंदर फंसे रहते हैं टीयर गैस में. सांस लेने में प्रॉब्लम है, बच्चों को लाठी चार्ज हो चुका होता है, किसी का खून बह रहा है, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है और हम सब फंसे हुए हैं वहाँ पे. उसके बाद पुलिस आती है हमको बाहर निकालने के लिए और हमसे बोलती है कि अपने हाथ ऊपर करके जाइए यहाँ से और भाग जाइए यहाँ से. पुलिस बोलती है एक आवाज़ ना निकले आपके ज़बान से. पुलिस हमको इस तरह ट्रीट करती है जैसे हमने पता नहीं क्या गुनाह किया. उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी सेम रवैया होता है, बट ये बात बाहर तक नहीं आ पा रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो पुलिस का, जो बर्बरता से पुलिस ने फायरिंग करी और मारा, वो दो गुना ज़्यादा बुरी तरीके से था. ए, वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया गया. बी, वो दिल्ली नहीं है. तो ये बात कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया पर अटैक क्यों हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ थी और मुस्लिम आज के टाइम पे सबसे बड़ा बुगीमैन बन गया है. मुस्लिम नाम से सबको नफरत है, मुस्लिम नाम से लोग एंशियस और इनसिक्योर होने लगते हैं. तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, 70 साल से मुसलमान अपनी आइडेंटिटी को लेके इनसिक्योर रहा है. मुसलमान सड़कों पर जब उतरता है तो डरता है. मुसलमान अपनी आइडेंटिटी असर्ट नहीं करता है. मुसलमान दब दब कर ना कुछ बोलता है, ना कुछ करने की कोशिश करता है. और जब हम अपनी आइडेंटिटी असर्ट करने बाहर आते हैं अपने कैंपसेस से, तो आप हम पर लाठी चार्ज और टीयर गैस फायर करते हैं. किस कैंपस में टीयर गैस और स्टन ग्रेनेड और रबर बुलेट्स और पैलेट्स इस्तेमाल होते हैं? किस कैंपस में इस्तेमाल होते हैं? नहीं, सिर्फ मुस्लिम कैंपसेस में इस्तेमाल होते हैं. तो ये जो सीधे से मुस्लिम विरोधी सरकार है, इसके खिलाफ एक लड़ाई छिड़ी है. CAA NRC के खिलाफ भी लड़ाई है, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से लोगों के लिए और मुझ जैसे बहुत से मुसलमानों के लिए, ये लड़ाई हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की भी है. ऑफ कोर्स अ सेक्युलर इंडिया इज फाइटिंग बैक. सो व्हेन आई कम आउट ऑन द स्ट्रीट एज अ मुस्लिम गर्ल, व्हेन आई कम आउट ऑन द स्ट्रीट एंड असर्ट माय आइडेंटिटी एंड आई सेलिब्रेट माय आइडेंटिटी, that is when I am saving the secular constitution. That is when I am saving the constitution. क्योंकि आप चाहते हैं कि हम अपने घर में बंद रख रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी को उतार कर फेंक दें, आप चाहते हैं कि हम भूल जाएं कि हम मुसलमान हैं और हम एक लबादा ओढ़ लें ताकि हमारे अंदर एक डर बसा रहे. तो उस डर को ख़त्म करा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने और आज मुसलमान सड़कों पर उतर रहा है. यूपी में जिस तरह की बर्बरता की जा रही है, लोगों को मार दिया गया है,
क्योंकि वो मुसलमान थे, वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे थे, लेकिन वो मुस्लिम थे तो उनको मार दिया गया। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज डोंट आस्क मुस्लिम्स टू लीव देयर आइडेंटिटीज, प्लीज डोंट आस्क अस दैट वी शुड लीव आवर आइडेंटिटीज बैक इन आवर होम्स, डोंट आस्क अस। हमको बहुत हिम्मत लगी है सड़कों पर आकर अपनी आइडेंटिटी सेलिब्रेट करने में, तो अगर आप हमको बोलते हैं कि आप प्लीज अपनी आइडेंटिटी को भूल जाइए और सिर्फ एक सेक्युलर इंडिया को बचाइए, तो जी नहीं, मुसलमान पहले अपनी जान बचाएगा, क्योंकि आज हमारी जान खतरे में है, हमारी पूरी हमको एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पे लाकर खड़ा कर दिया गया है। आज तक बहस होती थी कि मुस्लिम सेकेंड क्लास सिटीजन है कि नहीं है, अब बहस होने लगी है कि मुस्लिम सिटीजन भी हैं कि नहीं है। एंड वी डोंट ट्रस्ट दिस गवर्नमेंट, वी डोंट ट्रस्ट दिस गवर्नमेंट, वी डोंट ट्रस्ट। हम इनसिक्योर और एंशियस इसलिए भी फील करते हैं बिकॉज वी नो कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी कहे, कोई रूल कोई लॉ कुछ भी करे, इनको जो करना होगा ये करेंगे। इन्होंने 370 जिस तरह कश्मीर से हटाया, जिस तरह इन्होंने बाबरी मस्जिद का जो वर्डिक्ट आया, वी हैव लॉस्ट ऑल आवर फेथ इन द जुडिशियरी। So please don't ask us, let us celebrate our identities and come out on the streets with us and help us celebrate our identities. Is this the secular India that I believe in, the idea of India that I believe in allows me to come out on the street and celebrate my identity? So when a secular India is fighting back, I expect that secular India to not ask me to stop celebrating my identity and assert my identity as a Muslim. So bas, this is what I want, and AMU aur Jamia mein bhi is identity ko hi lekar protest shuru hue the. The protest was Muslim lives matter, and more than ever, jis tarah UP mein मारा जा रहा है लोगों को, विच हंट करा जा रहा है मुसलमानों को, एएमयू में 3500 स्टूडेंट्स के ऊपर एफआईआर बुक करा गया है, 3500 स्टूडेंट्स के ऊपर, उसमें सिर्फ 40 का नाम आपने गिनाया है और बाकी सब अननेम्ड हैं। तो जिस तरह से अटैक किया जा रहा है, तो मोर देन एवर आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड कम आउट ऑन द स्ट्रीट एंड not just fight against CAA and NRC, against NPR, and not just fight for the constitution, for the secular ethos of this country, not just for the idea of India, but also for all the Muslim lives that are at stake. Thank you so much. Intifada Inqilab.